गुरुग्राम सीएम फ्लाइंग ने की देर शाम छापेमारी। मोबाइल दुकान संचालक से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद। 23,000 रुपये में बेचा जा रहा था इंजेक्शन। लगातार मिल रही थी कालाबाजारी की सूचना। एक निजी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल का भी नाम आ रहा है सामने। कालाबाजारी में निजी अस्पताल का कर्मचारी भी शामिल। मोबाइल दुकान संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अस्पताल कर्मचारी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। मॉडल टाउन थाना पुलिस जांच में जुटी। फ्लाइंग आई थी कोविड-19 के संबंध में, जैसे इस ये सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए और ऐड करने के लिए, तो सीएम फ्लाइंग ने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर मंदीप के साथ रेड की, तो यहाँ मोबाइल गोदाम पर एक वो इंजेक्शन मिला जो इसमें यूज होता है कोविड में, रेमडेसिविर। तो उसमें क्या था कि वो 2450 का उसका मूल्य है और उसको ने 23,000 में बेचा जा रहा था। उन्होंने एक फर्जी ग्राहक बना के भेजा, तो उन्होंने 2450 के जगह 23,000 रुपये इसके लिए, तो मौके पर उसको तलबराज पर पकड़ा गया है। उससे पूछताछ की गई, उससे उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह इस बारे में नहीं मिला, तो उसने बताया उसका साथी एक और है राहुल, उसने ये बेचने के लिए राहुल पुष्पांजलि हॉस्पिटल में काम करता, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का भी कुछ लिंक सामने आ रहा है। जांच इस बारे में जांच से पता चलेगा कि इसमें हॉस्पिटल का भी रोल है या ना है, या वही अपने इसके गांव के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी दूसरा आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? अभी तो राहुल और उसके खिलाफ दर्ज हुआ है। ठीक।